जय जिनेंद्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रसारण में, जहां आप देखेंगे परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन देशनोदय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में विराजमान मूल नायक श्री 1008 देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा। साथ ही महाराज श्री ने अपने वचनों के माध्यम से चमलेश्वर वासियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए, जिससे वह इस स्थल को समस्त तीर्थ स्थलों में सर्वोच्च बना सके। तो बिना विलंब किए आइए आपको श्रवण कराते हैं गुरुवर की वाणी और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। आप राजनीतिक क्षेत्र में आज भक्त और धर्म का कोई क्षेत्र नहीं होता, लेकिन राजनीति में तो क्षेत्रों का बंटवारा होता है। तो चौलेश्वर बिजोलिया आपके क्षेत्र हैं, राजनीतिक गढ़ हैं। अब हमने तो जितना काम करना था चौलेश्वर में कर दिया, अब बाकी काम आपका है। मैंने तो जितने कांटे थे सब मैं अपने पैरों में लेके आ गया। अब जो कुछ भी थोड़े बहुत बचे हैं वो उनको अब आपको दूर करना है। मैं आपको वो जो क्षेत्र 1400 क्षेत्र की जो मेरी तमन्ना है, 25 साल पहले जब मैं पहली बार राजस्थान आया, यहाँ आया था 96 में, उस समय मेरे मन में था कि सारे क्षेत्र एक तरफ और 1400 तीर्थ क्षेत्र एक तरफ, क्योंकि 1400 क्षेत्र का जो भजन है वो किसी भी तीर्थ क्षेत्र वाला व्यक्ति क्यों ना हो, आज तक किसी क्षेत्र पर इतना प्यारा भजन नहीं बना जो सारे भारत का प्यारा हो। तो मेरा मन था, लेकिन वो जो कुछ परिस्थितियाँ वहाँ की हैं वो तो हैं, लेकिन अपना तो नेत्र है कि कोई वकील को यदि हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसके नीचे बड़ी वकील खींच दो, उसी वकील के ऊपर चल रहे हैं। अब मैंने संकेत भी कर दिया, अब जितने जल्दी हो सके वो थोड़े बहुत और वहाँ जो, क्योंकि मैं पैर में कांटा तो लगा लेता हूँ, चुन लेता हूँ, लेकिन झाड़ू नहीं लगा पाता। हाँ, मेरी अब मर्यादा है, क्या करूँ मैं। पैर में कांटा लगे तो लग जाए, लेकिन मैं कांटे को झाड़ नहीं सकता। तो जितने कांटे थे वो तो मैं लगा लिए, अब झाड़ू आपको लगाना है। जितने जल्दी हो सके वह एक समस्या और निपटाओ और फिर क्षेत्र के विकास को दिन दूना रात चौगना बढ़ने दो। सब बैठा है, पूरा भारत बैठा है चौरेश्वर के लिए। दातारों ने जिस ढंग का उत्साह दिखाया है, वे तड़प रहे हैं कि हमारी चीज वहाँ कब बनेगी। आए दिन उनके आते, महाराज जी चौलेश्वर में आप छोड़ के आ गए, क्या हो रहा है? मैंने कहा हो रहा है नहीं, आप पूरे बस इस दिवाली के बाद इतनी गति आए कि जिन दातारों ने भावना से भावना भाई है उनका वृक्ष हरा भरा हो गए और आपके क्षेत्र का चौलेश्वर भी सारे भारत के तीर्थ क्षेत्रों से भी ऊंचाइयां छुए। आइए अब सीधे लिए चलते हैं आपको श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन देशनोदय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में विराजमान मूल नायक श्री 1008 देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा के भव्य दर्शन कराने। क्रीम क्लीम ऐं ह्रौं वं वं हं सं तं पं वं वं मं 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 शं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमुरति भगवती श्रीमती पवित्र जलेञ्जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ॐ ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमुरते भगवते श्रीमते। ॐ ब्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जहे जे दहे दहे पचे पचे पाचे पाचे। ॐ नमो अरुं जं जीं क्षीं हं सं जं वं या सा छां छीं छों छें छें छों छों छं छां छीं ह्रां ह्रीं
ह्रीं ह्रों ह्रें ह्रें ह्रों ह्रों ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमुरते भगवती श्रीमते ठाठा अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य भगवन विद्यासागर जी महाराज स्वसलवार्थम एवं आचार्य सान संपन्यार्थम निर्यापक श्रोमणी पुंगव श्री स्मार्ट सुधासागर जी महाराज संगे आरोग्यार्थम प्रथम ओर से अविशेष आंध्रकर्ता श्रेष्ठ श्रीमान महावीर प्रसाद जी अशोक कुमार जी महेंद्र कुमार जी निर्मल कुमार जी सिद्धांत जी अक्षत जी सालू जी संस्कृति प्रसिद्ध जीविका जैन जहासा परिवार गोदा जहाजपुर निवासी द्वितीय तरफ से श्रेष्ठ श्रीमान विनोद कुमार जी महेंद्र कुमार जी स्वम जी आयुष जी ऋषभ जी अजित जी कुमार काला परिवार सा परिवार विहाड़ा निवासी श्रेष्ठ श्रीमान विमल कुमार जी आशीष कुमार जी वाकलीवाल जहाजपुर निवासी श्री शांतिलाल जी ऋषभ जी अनुकूल जी वाकलीवाल जहाजपुर निवासी श्रीमती चंदा देवी जी गोदा रेणु कुमार जी नीलू कुमार जी गोदा सह परिवार जहाजपुर निवासी श्री प्यार चंद जी दिनेश कुमार जी ऋषभ कुमार जी सह परिवार जामोली निवासी श्री वृंद चंद जी निर्मल कुमार जी बड़जत्या अतिशय जी बड़जत्या जामोली निवासी श्री अनिल कुमार जी सुनील कुमार जी सह परिवार वाकलीवाल जहाजपुर निवासी श्री विमल जी विनय जी विकास जी झांझरी कोठड़ी निवासी श्री सुरेश कुमार जी नीलेश कुमार जी नीलेश नीतीश कुमार जी डिंकू कुमार जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु वाकलीवाल परिवार बूंदी निवासी श्री गजेंद्र कुमार जी आदिश कुमार जी सह परिवार श्री सीका गोदा व गर्भ शिशु के स्वास्थ्य लाभ हेतु टिटोड़ी निवासी श्री पारस कुमार जी सुरेश कुमार जी वाकलीवाल जहाजपुर निवासी श्री महेंद्र कुमार जी डॉक्टर मेघ जी कीर्ति जी सिद्धम जी गोदा एवं मोचित जैन अलवद वाली बूंदी का कोटड़ा निवासी रोग निवारण हेतु श्रेष्ठ श्रीमान कैलाश जी पांड्या सह परिवार केकड़ी निवासी श्री श्रेष्ठ श्रीमान नरेंद्र जी श्रीमती सुदेश रानी जी विभिन्न संगीत अभिषेक रिद्धि सिद्धि जैन दुर्गापुर पश्चिम बंगाल निवासी रिद्धि सिद्धि जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रेष्ठ श्रीमान आचल वैभव सोम जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्रेष्ठ श्रीमान मोहनलाल जी सुनी जी नीलेश जी अरंत जी सह परिवार चेन्नई निवासी श्री श्वेतांक चौधरी अशोक नगर निवासी एसडीएम पीएससी परीक्षा की सफल हेतु सपरिवार सकल दिगंबर जी समाज देशनोदय अतिशय चित्र कमेटी एवं उपस्थित सभी जनानाम देशनोदय अतिशय चित्र चल रहे निर्माण कार्य सान संपन्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एव अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अनंत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय अस्माकं समस्तान्तर्गत परिवारस्य अस्माकं श्री शांति वट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धन शिवल आयु आरोग्य स्वर अभिभद्रस्तु सद्र में सोशिष्य पर शिष्य वर्ग बृजंतु न ओम वृषभाद श्री वर्धमान चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिय अस्माकं या मुद्र चा सिद्धिम तवंतु सद्रम कार्यसु या मुद्र चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न ओम नमोरते भगवते श्रीमते पारस्ती तंग्रय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य दिजमोते प्रभा मंडल मंडिताय दो दस गुण सहित अन्य चतुष्टय सहित समोष्ण केवल ज्ञान सुविताय अष्टादश दोष रहताय षट चुंतारि सद्गुण सृजनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वे दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशेनं भावयतो ओम नमो रते भगवते प्रक्षीण से दुष्कमसाय दिव्यजोमूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिग्रह सर्विघ्न विनाशन सर्वगमृत विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रपद विनाशन सर्वारिष्ट शांतिग्रह ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रमर असियाउसा नमः मम सर्वन शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिन्दे छिन्दे विन्दे रति कामं बलिकामं क्रोधं पापमेरं च अग्निभाव्यं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यव्ययं सर्वचोदुष्टव्ययं सर्वसर्वरिशिक्षयादिव्ययं सर्वगरव्ययं सर्वदोषं वेदमडारं च सर्वपरमन्त्रं सर्वातिघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जररोगं च सनर्मारिं सर्वगज असगोमयसजवारिं सर्वसस्धान व्रचलता गोल में पत्र पुष्प फल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सर्वकुर्वे तल साग्निवियानी सर्वेदनियम सर्वमोहिनियम सर्वाश्य मारिम अस्माकं समस्त अंतर्गत परिवार से अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मन तन दृष्टि मुष्टि छल चित दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नार शिवनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जनत विस्मयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्वस्यांष्ट पदादि कर दोषान पर शत्रु कर्म उच्चाटम दे सन्मोहन वसी करादि कर दोषान ओम ब्रीम सभ्यम चक्रवर्कम तेजवल सौर शांतिम पूरे पूरे सर्जीवानंद्रम सर्जनानंद्रम सर्वभ्यानंद्रम सर्वगोकुलानंद्रम सर्वराजानंद्रम सर्वग्राम नगर केट करबट मंडप पतंद्रम संवानंद्रम
सर्वानन्दरं कुरु कुरु स्वाहा यत् समुद्र लोकेषु व्याधि विषन वर्जितं अव्यं क्षेमं आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदधे श्री शान्तिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्यमार्गमस्तु अस्माकं समस्यान्तर्गत परिवारस्य समस्यान्तर करने वाले देखने वाले बोलने वाले समस्त सा परिवारस्य तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घयस्तु कुलगोत्रे धनानि सन्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्येश्वरी अभिवृद्धिरस्तु ओम ब्रीम श्रीं क्लीं अम्बरमस्यौषा अनाहत विदृढमो अरिहंता परम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ब्रीम श्रीं क्लीं अम्बरमस्यौषा अनाहत विदृढमो अरिहंता परम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ब्रीम श्रीं क्लीं अम्बरमस्यौषा अनाहत विदृढमो अरिहंता परम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्बल्यविलासं सकल सुख फलित्वा सुलभं धीरं वीरं शरीरं निरूपं पुनत्वात्नो तुच्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतुत्तरं स्फुदेचि प्रतापं कान्तिं शांतिं समाधिं वितृत्युक्तम् उत्तमा शांति धारा शांति धारा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र मुदस सांके सुचि निरे जरे वारी धारे मुच्चैष्टेतं सुरे गेरे रेवेशाते कोवम् ओम ब्रीम अष्टप्रात्यार मध्ये चमर्दमे स्थापयामि मे वै देसेना परसेनाते भगवान की किस दिन तक यहाँ विराजे समो शरण की शोभा थी निर्यापक गुरु सुधा सगर जी अतिशय मंगलकारी है नाम देश नो दय दिया गुरु ने मुनिवर तीर्थोद्धारी है चौबीसी सहस्र कोटेर नंदेश्वर विस्तारा है चमलेश्वर है तीर्थ दिगंबर अतिशय जग जन प्यारा है दुख संपीड़ित आते हैं जन सुख वैभव को पाते हैं अभिषेक शांति धारा भक्ति कर प्रभु को अर्घ्य चढ़ाते हैं ओम ब्रीम देशनुदय तीर्थ चौलेश्वर स्थित महा अतिशयकारी देवादिदेव श्री पारसनाथ जिनद्रय अनर्घ्य प्राप्त है अर्घ्यम प्राप्ति